अपनी कंटेंट की वजह से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री पूरे भारत पर राज करती है, जिसमें से यह मूवी यानी गीता गोविंदम भी काफी लोकप्रिय है। यह फिल्म 5 करोड़ के बजट में बनी थी और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 132 करोड़ रुपए है। अब आप सोचो, मामूली सी 5 करोड़ की बजट, जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर की फीस भी नहीं होती, इतने में यह पूरी फिल्म बन गई। एंड मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद हैं, जो असल में अल्लू अर्जुन के पिता हैं। एंड उनके बारे में मैं बता दूं कि अल्लू अरविंद एक फेमस फिल्म प्रोड्यूसर हैं। रामचरण की फिल्म मगधीरा को भी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया था। बाय द वे, इस वीडियो में हम आपको गीता गोविंदम मूवी का BTS दिखाने जा रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग इस फिल्म के बारे में अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानोगे। गीता और विजय जब कार्ड बांटने के लिए जा रहे होते हैं, यह उस समय का सीन है। इस सीन में उनके बीच काफी नोकझोंक होती है एंड आप यहां विजय सर को जो बाइक चलाते देख रहे हो, वह एक्चुअली रॉयल इनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT बाइक है और यह लोकेशन हैदराबाद के लोकल स्ट्रीट का है। हैदराबाद के एक कॉलेज में फिल्म की कुछ शूटिंग हुई थी। एक्चुअली विजय इस फिल्म में एक लेक्चरर रहते हैं एंड उनका ड्रीम रहता है कि जल्द से जल्द शादी करके सेटल हो जाए। यहाँ आप लोग विजय सर की शूटिंग की झलक देख सकते हो, यहाँ आप उन्हें यूनिफॉर्म में भी देख सकते हो। फिल्म में दिखाए गए आउटडोर लोकेशन हैदराबाद के लोकल स्ट्रीट पर शूट करी गई थी। इस फिल्म का मैक्सिमम शूटिंग लोकेशन हाईवेज और स्ट्रीट है। मूवी में फिल्म सिटी के अंदर का एक भी सीन नहीं है एंड जितना हो सकता था फिल्म मेकर्स ने गवर्नमेंट की परमिशन से वहां हैदराबाद में रोड ब्लॉक करवाए ताकि शूटिंग हो सके। हालांकि कई जगहों पर भीड़ ने परेशान भी करी थी। बाय द वे, मैक्सिमम शूटिंग इन्हीं जगहों पर हुई है जो आप यहां वीडियो में देख रहे हो एंड इसी स्ट्रीट पर फाइटिंग सीक्वेंस भी शूट किए गए थे। एंड शूटिंग के दौरान सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा गया था। हालांकि यहां किसी भी प्रकार का वायरिंग सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां जो बाइकर्स आप देख रहे हो वो सारे ट्रेंड हैं एंड अपने काम में प्रोफेशनल हैं, इसीलिए इन्हें इंजरी का खतरा बिल्कुल कम रहता है। उसके अगले सीक्वेंस में यहां आप कॉलेज कैंपस में फाइटिंग देख रहे हो। इसे डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट करा गया था। फिल्म का ये लोकेशन अन्नावरम विलेज का है। इसी गांव के डिफरेंट लोकेशन यानी मंदिर वाले लोकेशन पर फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हुआ था। बाय द वे, मूवी के फर्स्ट हाफ में आपको इसी लोकेशन का सीन दिखाया गया है। यहाँ विजय की सिस्टर की शादी गीता के भाई से होने वाली होती है, उस समय को यहाँ पर शूट किया गया है। एंड यहाँ बिहाइंड द सीन में आप लोग देख रहे हो कि वो सारे कलाकार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और शूटिंग को एंजॉय करते भी दिखे। इस फिल्म का क्लाइमेक्स श्री वीरा वेंकटा सत्यनारायणा स्वामी टेम्पल में शूट हुआ था। यह लोकेशन रत्नागिरी हिल पर है, जो आंध्र प्रदेश के गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अन्नावरम में स्थित है। यहाँ पर किशोर और गीता की मैरिज होने वाली होती है, बट विजय किसी तरह उन्हें कन्विंस कर लेता है एंड उनकी लव स्टोरी कंप्लीट होती है। गीता गोविंदम मूवी के क्लाइमेक्स में आप लोगों को हाई लेवल का सेटिस्फेक्शन यहाँ फील होगा। परशुराम जी ने इस प्यारी सी मूवी का स्क्रिप्ट लिखा है और निर्देशन भी उन्हीं के द्वारा किया गया है। वीडियो को लाइक कर दें एंड स्क्रीन के लेफ्ट में आपको पुष्पा का BTS देखने को मिलेगा एंड राइट साइड में रोबोट 2.0 का बिहाइंड द सीन स्थित है।